Hey guys, welcome back to another video. My name is Sumit. So, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि Creta S और S6 वेरिएंट में कौन सा बेटर है, किसमें अच्छे फीचर्स है, कौन वैल्यू फॉर मनी है. सो एज यू नो कि मेरे पास Creta S6 है मैनुअल पेट्रोल एंड इट्स बीन लाइक 3 months. सो मैंने सोचा कि लेट्स मेक अ वीडियो बिकॉज काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि Creta S लेनी चाहिए या S6 लेनी चाहिए बिकॉज एक मेजर प्राइस डिफरेंस आता है, दैट्स अ फैक्टर. So let's start the video, but before that, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन एंड लेट्स गेट ऑन इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम हैंडल इज कैप्टन ट्यूबर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द की. सो ये S6 वेरिएंट की है, इसमें लॉक होता है, अनलॉक होता है, बूट ओपन करने के लिए होता है, प्लस बजर साउंड एक होता है कि अगर आपने पार्किंग में मॉल में कहीं पर आपने कार पार्क कर दी, आपको कार मिल नहीं रही तो आप इसे करके बजर साउंड आने लगेगा. एंड एक और इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि S6 में है, S में नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड द वेलकम फीचर. तो जैसे मैं की लेकर कार के पास जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली ORVM ऐसे ओपन हो जाता है, यानी यहाँ पे लाइट ऑन हो जाती है विच इज़ कॉल्ड पडल लैम्प. तो रात में आपको काफ़ी यूज़फुल है अगर आपने गाड़ी ऐसी जगह पार्क है जहाँ पर यू नो कीचड़ कुछ ऐसा है जो आपको पता नहीं कि लैंड कैसा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और S6 में जो टायर साइज़ आता है दैट इज़ 215/16 R17 एंड अलॉयज़ के साथ आती है. वहीं S में आता है ये 225/65 R16 स्टील व्हील्स, प्लस इसमें जो चारों ब्रेक होते हैं वो होते हैं डिस्क, एंड S में जो होता है वो रियर साइड में ड्रम ब्रेक्स होते हैं. एंड अगर मैं हेडलाइट की बात करूं तो इसमें आपको मिलता है S6 में ट्रायोबीम LED हेडलाइट्स एंड प्लस DRL मिलता है. वहीं अगर S में मिलता है तो आपको एक सिंपल हेलोजन हेडलाइट मिलता है जो कि येलो कलर का लाइट प्रोड्यूस करता है, इसमें वाइट होता है. और जो DRL S में होता नहीं उसको ऑन ऑफ करना पड़ता है. मेजर डिफरेंसेस बाहर से तो ये सारे थे, अब लेट्स गो इनसाइड एंड बात करते कि अंदर में क्या क्या डिफरेंसेस आपको मिलता है इन कार के फीचर्स में. ओके, सो मैं अगर अंदर की बात कर, जो मेजर डिफरेंस दैट इज़ द पैनोरामिक सनरूफ. सो ये जो मेजर USP आपको S6 और S6O में सिर्फ मिलेगा, एंड इसके कारण ही मैंने यू नो S6 वेरिएंट एक मेजर मेरा लेने का रीज़न ये था S6 वेरिएंट में. प्लस आपको स्टीयरिंग व्हील में लेदर रैप मिलेगा जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है. और MID में आप देख सकते हैं बाहर का टेम्परेचर स्विंग 30 डिग्री सेल्सियस, जो कि S वेरिएंट में नहीं आता. यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है जो S में नहीं आता है, प्लस यहाँ पर कैमरा का एक बटन है. अगर आपने इसको, अगर मैं इसका हैंड ब्रेक हटाता हूँ एंड इसको स्विच ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हो, आप ड्राइव करते भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है. प्लस यहाँ पर MID में आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी दिखाता है जो कि यहाँ से कंट्रोल होता है. और उसके अलावा यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग है जो कि S वेरिएंट में नहीं आता है. एंड उसके अलावा काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स भी है जो कि S में नहीं है. फॉर एग्जांपल व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल जो मैंने पहले ही बता दिया था. तो यू नो फ्रंट सीट में इतने सारे कुछ मेजर डिफरेंसेस है, कॉस्मेटिक्स प्लस थोड़े बहुत यू नो सेफ्टी फीचर्स हो गए. ओके, सो S6 में एक और फीचर है यहाँ पे जो आपको रियर व्यू मिरर है, यहाँ पे ब्लू लिंक कनेक्टिविटी SOS, और ये है रोड साइड असिस्टेंट, और ये है आप यू नो Hyundai के कॉल सेंटर में कनेक्ट करके यू कैन आस्क फॉर अ डायरेक्शन. सो ये एक फीचर है जो S में नहीं आता, S6 में आता है. ओके, सॉरी, एक डिफरेंस मैं बताने के लिए भूल गया. तो यहाँ पे वन टच विंडो कंट्रोल, अगर मैं एक बार प्रेस करूँगा तो ये खुल जाएगा लाइक दिस, जो S में नहीं आता है, एंड एक बार इसको प्रेस करूँगा तो ये बंद होना स्टार्ट हो जाएगा, विच इज़ मिसिंग इन S. प्लस एक और फीचर हिल असिस्ट जो कि S वेरिएंट में नहीं आता है. अब चलते हैं पीछे की सीट पर. हैंड ब्रेक मैंने लगा दिया है. अब देखिए रियर में जो मेजर डिफरेंस है ना वो है इसका, ये आपको S में नहीं मिलेगा विच इज़ कॉल्ड पार्सल ट्रे विथ कप होल्डर्स, ये आपको नहीं मिलेगा. प्लस ये जो कुशन आप देख रहे हैं Hyundai की तरफ से मिला है, ये आपको नहीं मिलेगा. एंड जो सीट्स है 60-40 में स्प्लिट होता है S6 में होता है, और S में सिंपल बेंच होता है जो कि आप एक फोल्ड कर सकते हो, तो ये ज़्यादा आई थिंक ईजी है. ओके गाइस, सो आई होप कि आपको मेजर डिफरेंसेस तो पता चल गया कि S और S6 में क्या क्या मेन डिफरेंसेस है. अब देखिए जो Creta S और S6 जो वेरिएंट है उसमें ऑलमोस्ट 1.5 लाख का डिफरेंस है. And according to me, Creta S6 is more value for money rather than Creta S. So अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो go for Creta S6, not for Creta S. उसके नीचे की वेरिएंट आप ले सकते हैं, EX ले सकते हैं, E ले सकते हैं, but S is not the value for money. And I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे. अगर अच्छा लगे तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कर देना, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन, काफ़ी सपोर्ट मिलता है एंड हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल. मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्टेंट बना के लाते रहूँ. एंड अगर आपको कोई भी डाउट है कि आप कार से रिलेटेड या Creta से रिलेटेड, डू पिंग मी ऑन Instagram, डू लेट मी नो आपको कोई भी डाउट है, विल कनेक्ट, विल चैट. एंड सी द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ.